बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है आप लोगों से शेयर करूंगी मैं अपनी बीमारी की रूटीन के किस तरीके से जो है यहाँ पर अभी काम वाम कर रहे हैं हम लोग और कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि मेरा यहाँ हाथ जो है ना वो अभी सोचे से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते के लिए जो है ना मेरी बहन आई हुई है, पराठा बना रही है। उसने सालन आलू गोश्त का ये गर्म कर दिया है और साथ ही जो है ये पराठे बनाए हैं उसने, ये पराठे बनाए हैं और ये आम आम कट करा है। तो फिर नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं सही। और बच्चों से मिलवाऊँ कैसे, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त कंडीशन ख़राब है, इसलिए बच्चों को तो नहीं दिखा सकती मैं। वो देखिए अपना ब्रश कर रहा है, पर अपना ब्रश कर रहा है, अपना ब्रश कर रहे हो, ब्रश कर रहा है। और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, पानी की परेशानी हो गई, शॉर्टेज हो गई है पानी की ना, और यह संकट है ना। ऐसा मैं आधा पार्ट दिखा दूँगी, ऐसा आधे पार्ट के ऊपर जो है ना थोड़ा चोट वोट है इसलिए। और ये मीरप खड़ी हुई है, काम कर रही है। रबिया नहीं थी तो रबिया कर रही थी मेरी नन, और अभी जो है आज ये कर रही है नाश्ता सा बना रही है। और मिलते हैं आपके नाश्ते के बाद, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मेरे पास नाश्ता हो रहा है, सब नाश्ता कर रहे हैं। और जहाँ आम होता है मक्खियाँ तो लाजमी होती हैं, तो मक्खी रहें कोशिश कर रही है अंदर आने की, वहाँ पर आने की प्लेट के पास। और यहाँ करवा बैठी हुई है सामने, तो हम लोग व्यूअर्स मिलते हैं आपके नाश्ते के बाद। तो यहाँ पर देखें घर का कुछ इस तरह हाल हो गया है। और सुबह से मसाला हलूम करने के लिए कभी कोई कभी कोई, तो बच्चे जो है ना मुसलसल बहुत परेशान कर रहा है, और बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं कि घर जो है ना बार बार फैलाए जा रहे हैं। तो पानी भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ सर ना। तो यहाँ पर जो है वो शाम हो गई है और मसाला आम तरफ मेहमानों की लगी हुई है, कोई ना कोई जो है मुसलसल आ ही रहा है, कभी पड़ोस से कभी महल से, कभी जो है वो लेडीज़ वगैरह अभी जो है छोटी बहन आई थी। तो शाम हो चुकी है और अब जो है ना मैं अपने दिखाने के लिए जा रही हूँ डॉक्टर को, मुझे जो है वो उस वक्त तो हाथ का मसला, तो हाथ ही पे ज़रा जो है वो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हाथ को दिखा दें, लेकिन अब जो है ना मुझे लग रहा है सर को और ये गर्दन पे जो ये मसला है ना ये दिखाने जा रही हूँ। ये खुदा ना खासा कोई बाद में कोई इशू हो उस वगैरह के अभी दिखा रहे हैं इंसान, क्योंकि ना जब मैं गिरी थी ना बल पीठ के बल गिरी हूँ, मतलब ये पीछे की तरफ गिरी हूँ एकदम से यूँ ना उल्टी गिरी हूँ, तो ये सर जो ना वो मैंने ज़मीन पे जाकर टिकट लगाया था, ज़मीन पर टकराया था ना, तो मेरे जो बालों में ना क्लिप लगा हुआ था इस तरीके से मैं लगाती हूँ सर, इस तरीके क्लिप लगा हुआ था, वो था ज़रा स्टील का जो स्टील के मिलते हैं ना किचन, वो किचन लगा हुआ था, वो जाके एकदम जब ज़मीन पर लगा ना तो उसने शायद अंदर जाके कुछ जख्म कर दिया या अंदर से चोट उसने चोट दी है, उसी वजह से बहुत शरीर दर्द हो रहा है। बीच का हिस्सा ना मैं एकदम से झुकाती हूँ ना तो जोर पड़ता है यहाँ पर, कि मसला अलग 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 कर रहा है। बच्चे सेट हैं, बच्चों के जो ऊपर अंदर ऊपर ऊपरी जो चोटें आई हैं ना बस वो थोड़ी सी जो है उसके लिए मैं पॉलीफेक्स वगैरह और सिगरप्रिंट पाउडर होता है वो जो है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जियाउद्दीन में जो उन्होंने पोस्ट उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया था वही सब कर रहे हैं। बाकी मेरे पे जो है वो एंटीबायोटिक चल रही है। और आप मैं जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर कुछ है ना, क्या चाहेंगे आप? फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा बंदा, तो आप लोग बताइएगा इसी बात पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो औरत है ये सरासर आप बताइए गलत है या नहीं? नहीं, बच्चों आया इसकी वजह से आया, इसकी वजह से नहीं आया? आप लोग कमेंट्स में जरूर इस बात को पोस्ट करिएगा, आना मेरी गलती है या ऐसी गलती है, ये बोलिए। आप तेज चला रहे थे, पुल पे जो स्पीड होती है, आप बताइएगा कि पुल के ऊपर जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं तो उसके ऊपर चढ़ने की पिक क्या होती है, क्या स्पीड होती है? अगर शदीद थी ना पुल के ऊपर अगर हम हल्की स्पीड में चलाएंगे तो गाड़ी पहली बात है चढ़ेगी नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि पुल के ऊपर अगर इतनी तेज़ मेरी गाड़ी होती जितनी तेज़ ये बोल रहे हैं कि आप उनकी बहुत तेज़ गाड़ी थी, तो मैं पुल के साइड में नहीं पड़ा होता, मैं फिर गाड़ी रगड़ती भी जाती तो पुल के बीच में जाके बीचम बीच में होते हम। अच्छा भाई मान लेते हैं भाई मेरी गलती थी, तो थोड़ा सा जो है ना मैं ये करूँगी कि अवाया जो है ना वो चेंज करके ऐसा अवाया लूँगी, थोड़ा सा खेल कम होगा। नहीं अब मैं अवाया नहीं ऐसा नहीं, ऐसी कहानी जाती भाई।
तो व्यूवर्स यहाँ हम पहुँच गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के क्लिनिक में, और यहाँ काफ़ी रश था। तो यहाँ पे नंबर चलते हैं, तो नंबरों के हिसाब से जो है वो डॉक्टर चेक करते हैं। तो अपने नंबर का वेट कर रही थी यहाँ पर मैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है हमारा, हम सब जो है माशाल्लाह इन्हीं को दिखाते आए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी बात होगी, फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है वो इसकी रिपोर्ट पता चल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न था, जो इतना बड़ा खतरनाक सा एक्सीडेंट हुआ है कि हम लोग मौत को इतने करीब से देख कर आए हैं। तो अल्लाह पाक सबको इस हादसे से महफूज रखे, और इसके लिए थोड़ी बहुत जो है वो आप लोगों को टिप दूंगी कि प्लीज़ अपना जो अबाया है ना उस तरीके का बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मैंने ईद पर ही परचेज़ किया था, ठीक है, ईद पर ही मैंने ये बाय किया था, और शॉपिंग जब की थी ना तभी दिया था कि चलें ईद पर नया अबाया ले लूँगी। और ये लिया भी इसीलिए था कि मेरा जो पहला बाया था ना वो बटरफ्लाई वाला बाया था, जिसमें दो पल्ले थे होते हैं, तीन चार पल्ले वो वाला था। तो वो ऐसा वाला मुझे कहते थे कि ना ये वाला बाया नहीं पहनते बाइक पे जाएगा। तो पूरे रास्ते में समझाता हुआ जाता था कि अबाया समेटो, अबाया समेटो, अबाया समेटो। और परसों इत्तफाक से सैटरडे के दिन यही हुआ कि मैंने इत्तफाक से एक टाइम भी इन्हें नहीं बोला कि अबाया समेटो ना, तो हफ्ते के दिन ये हादसा पेश आ गया। ये समेट रही थी पर फिर भी हादसा हो गया। आप ये देखें, तो ये देखें, दिखाओ दिखाओ, तो मैंने दबा लिए थे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, इसकी पूरी पट्टी खींच गई है, खाली एक दो होल हुए, ये किनारे से फटा और ये होल हुआ है, और इसके अलावा बाकी पूरा बाया सही है, और ये पूरा रिम में आ गया था, पीछे रिम के जो रबड़ा वाला साइड होता है उस साइड पे घूम गया था ये पूरा। और ये हादसा जो हुआ ये इसकी मेन किरदार ये है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों ने, मैंने, सब ने थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त की है। चले होने वाली बात थी, बहरहाल अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो जो मेरी बहनें और मेरी माँ या और जो बच्चियाँ हैं जो घरों से निकलती हैं अबाए पहन के, तो खुदा रा इस मैसेज को फॉलो करें कि अबाए को ज़रा एहतियात से पहने, ऊपर कर लें बाइक पे बैठते टाइम, और दूसरा अगर ज़्यादा घेर वाला अबाया नहीं पहने तो बहुत बेहतर होगा। आपको बोलूं जब प्राइस ली रिसीव ना मेरे यहाँ पे ना बेल्ट रोड अच्छी लगा के उस पर लेस लगा लो, और फिर जब जब भी मतलब बाइक पे बैठो ना तो इसको यूँ फोल्ड कर लो ऊपर को, दोबारा यहाँ से जाए बेल्ट रोड लगी होगी ना बेल्ट से इस तरीके से वो चिपक जाएगा, तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। जो हमें कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बैड कमेंट्स करते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनके लिए दिल से शुक्रिया है। सही, और जो बैड कमेंट करते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग हमें देखते तो हैं, कम से कम आपका इसी बात पे शुक्रिया कि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आप इसी तरीके से हमें कमेंट्स करते रहें और हम भी अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी जो ये एक कमेंट्स होता है ना, एक छोटी सी हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और इससे हमें बखुदा गवाह, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कमेंट्स में हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, आपको इन्जॉयमेंट मिल रही होती है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप हमें कमेंट्स करते रहें, हम ऐसे ही आपके कमेंट्स पढ़ के खुश होते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।